जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ रथ यात्रा निकलती है। वहाँ का एक महाप्रसाद प्रसिद्ध है, जो भी बड़े धार्मिक जगह है वहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप नहीं जाते हैं जब तक वो लोग ना बुलाना चाहे। तो जॉब जब हो जाए ना आप लोग का, तो 6 महीने में एक बार कभी छुट्टी लेके अपने निकल जाना। बीपी के, ब्रेन हेमरेज के मरीज बनते जा रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी नहीं कि सब सामान लेके रेडी रह जाएगा। पुरी और कोणार्क, पुरी और कोणार्क मिल गया, पुरी मिला और क्या मिला, कोणार्क। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ रथ यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी क्या निकलती है, रथ यात्रा। और पूरे विश्व से लोग आते हैं रथ खींचने के लिए यहाँ पर। तो अब आप लोग गए तो कभी, मतलब ये अभी तो बेरोजगार है आप लोग, नौकरी उकरी हो जाए, सेटल टोटल हो जाए ना, तो जब भी समय मिले तो जाना, समझे। तो जॉब जब हो जाए ना आप लोग का, तो 6 महीने में एक बार कभी छुट्टी लेके आउट ऑफ द स्टेट अपने निकल जाना। इससे ना इंडिया का आदमी तुम देखना ना, कभी गौर करके देखना हम लोग क्यों बीपी के, ब्रेन हेमरेज के मरीज बनते जा रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी नहीं कि सब सामान लेके रेडी रह जाएगा, जैसे लगेगा कि नासा का साइंटिस्ट है वही चांद पे जा रहा है अगली बार। अब देख रहे हो, परेशान है वो, बिना मतलब स्ट्रेस ले रहा है, कूद जाएगा वो, नहीं ना, लेकिन ना वो परेशान है, वो एकदम अजीब अजीब टाइप का। तो होता क्या है ना कि आदमी, अब आप ज्यादा इधर घूमते फिरते रहिएगा ना, इसे आपका नॉलेज भी होगा, और माता पिता को, बूढ़े लोग हो जाएंगे लोग, तो उन लोग को धार्मिक के जगह घूमना ज्यादा ठीक लगता है, तो घुमा ले आना तुम लोग भी, समझे। तो हालांकि जो भी बड़े धार्मिक जगह है वहां ऐसा कहा जाता है कि आप नहीं जाते हैं जब तक वो लोग ना बुलाना चाहे, और हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को बुलाएंगे। जब हम जानते हैं तुम्हारे बारे में तो भगवान नहीं जानते होंगे, तुम लोग कितना सीधा है लोग। तो ये जगह हो गया आपका पुरी। पुरी में कौन सा जगह, जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध है, समझ गया कि नहीं, कौन सा जगह प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर। पुरी मिल गया, पुरी के ऊपर होगा कोणार्क, वहां पे सूर्य मंदिर है। कोणार्क में कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। मिल गया सूर्य मंदिर, किसी को दिक्कत, आप बता सकते हैं कि सूर्य मंदिर किसने बनवाया, सूर्य मंदिर किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन। अच्छा बताइए, जगन्नाथ मंदिर इसके ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा भुवनेश्वर, आनंद वर्मन, हाँ ठीक बताए थे आप, आनंद वर्मन ने बनवाया था, आनंद वर्मन ने, वो आज ही बता दिया, आप लोग खोज रहे हैं लोग, देखो ऑनलाइन वाला कितना होशियार है सब, बारे जरतुआ सब देख चरना कह रहा है सब कि मोबाइल में देख के है, तो तुम लोग बिना मोबाइल का है, देख जरना सब, वो बता दिया तो कह रहा है कि नहीं नहीं सर मोबाइल में देख के बताया होगा। ये जगह देखो भुवनेश्वर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, आनंद वर्मन जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, तो करिए रथ यात्रा, आनंद वर्मन ने बनवाया था, रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वहां का एक महाप्रसाद प्रसिद्ध है, वो कद्दू और चावल की सब्जी वगैरह बनती है, और मिट्टी के घड़े में बनता है, मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी होता है, वो सब्जी उब्जी काट उट के में मिला उला के बना दिया जाता है। जो गए होंगे लोग उड़ीसा, वहाँ का वही महाप्रसाद बोला जाता है उसे, यहाँ पर एकदम सारा बर्तन ही मिट्टी का रहेगा, मिट्टी का इतना इतना करके बनेगा वहाँ पर, अब पूरा मिट्टी के लकड़ी पे बनता है तो काला काला हो ही जाता है, बट मिट्टी का एक सुगंध अलग होता है मिट्टी के बर्तन का वहाँ पे। तो वहाँ का अपना प्रसाद है, जगह जगह का अपना ट्रेडिशनल होता है यहाँ पे।